इनकलाबी नौजवान सभा ने बरकट्ठा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मोदी सरकार के खिलाफ 25 फरवरी को बरकट्ठा ब्लॉक मैदान में युवा जोहार महासम्मेलन करने की जानकारी साझा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में RYA राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संदीप जायसवाल, राष्ट्रीय परिषद सदस्य सह गिरिडीह जिलाध्यक्ष सोनू पांडे, बरकट्ठा पार्टी प्रखंड सचिव शेर मोहम्मद मौजूद थे। बरकट्ठा से संतोष पांडे की रिपोर्ट। की गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग पूरे देश स्तर पर भी अभियान चल रहा है हमारा कि मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने जो है रोजगार का नारा दिया था, लेकिन मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पूरा होने वाले हैं, दूसरा कार्यकाल जो है ये पूरा करने को है, लेकिन रोजगार के सवाल पर जो यह सरकार पूरी तरह से विफल है और इस देश के नौजवानों को रोजगार देने के बजाय ये अच्छा दर बहुत जो है बांट रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार इस देश के अंदर जो है वो रोजगार के मुद्दे को भटकाने के लिए लगातार उन्माद का माहौल पैदा किया जा रहा है, धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है और यह सरकार के पास कोई काम गिराने को नहीं है, इसलिए यह सरकार के पास काम के बजाय जो है ये राम के सहारे जो है अब आने वाले चुनाव में जो है अपना नैया पर करना चाहती है। लेकिन आपने देखा कि झारखंड में जब रघुवर दास की सरकार थी और नौजवानों के सवालों को नौजवानों के रोजगार के सवाल को जो है उपेक्षित किया गया, नौजवानों को जो है दरकिनार किया गया, तो आपने देखा इस झारखंड में जो है नौजवानों ने संकल्प लिया, रघुवर दास की सरकार को उखाड़ कर फेंका। ठीक उसी तरह 2024 के चुनाव में रोजगार के सवाल पर मोदी सरकार के नकारात्मक रवैये के खिलाफ जो है 2024 में भी जो है पूरे देश के नौजवान सहित झारखंड के नौजवान जो है वो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और इसी निमित्त आगामी 25 फरवरी को इसी बरकट्ठा की धरती पर बरकट्ठा ब्लॉक परिसर में नौजवान इनकलाबी नौजवान सभा ने जोहार युवा महासम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में लगभग 2500 नौजवान जो है वो शिरकत करेंगे और इस देश के अंदर जो नफरत की राजनीति चल रही है, इस देश के अंदर जो तफरका की राजनीति चल रही है, इस देश के अंदर जो बांटने की राजनीति चल रही है उसके बरखिलाफ जो है वो हुंकार भरेंगे। साथ ही साथ हमने नारा दिया है कि नफरत नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। 10 साल आप जब सत्ता में आ रहे थे आपने जो वादा किया था नौजवानों से रोजगार का, तो उस रोजगार का क्या हुआ? आपने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक साल हम 2 करोड़ नौकरी जो है वो जनरेट करेंगे। आपने वादा किया था कि यदि हमारी सरकार आई तो उस देश के अंदर जो बेरोजगारी का आलम है उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। आपने वादा किया था कि इस देश में जो महंगाई है उस महंगाई के खिलाफ जो है हम पूरी तरह से लगाम लगाने का काम करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम मोर्चों पर वो चाहे रोजगार के सवाल हो, चाहे वो महंगाई के सवाल हो, किसान के सवाल हो, तमाम मोर्चों पर यह सरकार जो है वो फेल है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि झारखंड में भी कि झारखंड में जब रघुवर दास से त्रस्त जो है लोगों ने हेमंत सोरेन के ऋतु जो है यहाँ सरकार बनाई तो हमने देखा कि केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा लगातार यहाँ की सरकार को जो है अपदस्थ करने की जो है लगातार साजिश की गई, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो है यह सरकार जो कर सकती है, जो टेट पास पारा शिक्षक है उनको जो है समायोजित कर सकती है, तो मुझे लगता है कि एक साल बचे हैं, इन एक साल में जो है चंपई सोरेन की सरकार को भी जो है कहीं ना कहीं जो है रोजगार के सामने जो है वो पहलकदमी लेनी चाहिए, गंभीर पहलकदमी लेनी चाहिए और हम लोग इसीलिए 25 तारीख को यहाँ पर जुटान कर रहे हैं और इस जुटान युवा जुटान के बाद जो है हम लोग एक बड़े आंदोलन के दिशा में आगे बढ़ेंगे और इस देश के नौजवान जो है जो रोजगार के मुद्दे पे सरकार मुकरी है, जो रोजगार के मुद्दे पे सरकार पीछे गई है उसके खिलाफ जो है वो 2024 के चुनाव में उनको सबक सिखाएंगे। एक चीज देखा गया है सर कि झारखंड में माले हमेशा एक अपना अलग रह करके और चुनाव लड़ी है, आज तक किसी पार्टी से उनका अपना साथ नहीं हुआ, क्या इस बार चुनाव में माले अन्य पार्टियों से भी जो महागठबंधन है क्या उनसे साथ गठ कर रही है? अभी पूरे देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है अभी देख रहे हैं कि एक तरफ जो है जो सत्ता में लोग हैं वो पूरा तरह सा रवैया अपनाए हुए। हमने अभी राज्यपाल के झारखंड में राजभवन की भूमिका देखी जहां मीडिया ने भी सवाल का खड़ा किया, तो मुझे लगता है कि आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें अगर कोई गठबंधन बनता है और उसके पहलकदमी भी कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में अभी भाकपा माले हमारी है, हमने इंडिया गठबंधन के कई बैठकों में हमारे महासचिव भी शामिल हुए, निश्चित तौर पे भाजपा के खिलाफ जो भी मजबूत गठबंधन बनेगा भाकपा माले
हमारी पार्टी जो है उस गठबंधन में शामिल है। और रहा बात गठबंधन का मामला रहा तो ये पार्टी का सवाल है, पार्टी के नेता बनेंगे, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है भाजपा के खिलाफ कोई मोर्चा बनता है तो हमारी पार्टी की भूमिका उसमें है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।